أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dear students, आज PMA का एक और लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ वो आप एक्सेस कर लें अपने यूट्यूब में और उसको बुकमार्क कर लें. ये वो जगह है जहाँ हम PMA वर्बल सेक्शन का सारा ट्यूटोरियल टाइप्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, और ये कंप्लीट होते ही हम नेक्स्ट नॉन वर्बल की तरफ जाएंगे, और नॉन वर्बल भी इंशाल्लाह इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर लेंगे. सबसे पहले तो ये PMA में आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि और ये एक है भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 0 इज़ ए डैश नंबर. 0 कौन सा नंबर है? अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो अगर आपको भी पता नहीं है कि 0 कौन सा नंबर है, तो मेरे यही चैनल के नीचे 0 इज़ ए डैश नंबर एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो देख ले. नहीं अगर पता है तो ठीक है, 0 क्या है? एक इवन नंबर है. बाकी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी अगर आपको देखना है तो वही मेरा आईडी में नीचे जाओ, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहां से जाके देख ले. 0 क्या है? इवन नंबर है. मैंने बाकायदा वहां प्रूफ कर लिया हूं कि 0 कौन सा नंबर है. सही है, तो 0 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है. दूसरा मैं विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी ये कह रहा है नीचे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा वर्ड जो ऐसा वर्ड है जो बाकी जो 3-4 वर्ड है उनसे डिफरेंट हो. तो सबसे पहले देखो, ये कराची है, काबुल है, दिल्ली है, ढाका है. तो आपने देखा तो ये कराची पाकिस्तान का है, सही है. बाकी ये जो 3 है ये बाहर मुल्कों का है, तो ये क्या है? ये कराची डिफरेंस या रेस्ट में है, तो कराची इधर करेक्ट ऑप्शन होगा. नीचे 3 में देखो, इफ़ अगर फीट FEED फीट इज़ कोडेड 4-3-3-2, यानी फीट जो है ना इस नंबर से कोडिंग करते हैं, तो डीफ का कोड क्या होगा, यानी उसका उलट डी और एफ. बस दो वर्ड आपने चेक करने, इधर एफ का वैल्यू 4 था और डी का वैल्यू 2 था, तो 2 पहले आएगा 4 बाद में जाएगा, तो क्या होगा? 2-3-3-4 होगा. किधर है? 2-3-3-4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. नीचे 4 में देखो, विच नंबर कम नेक्स्ट इन दिस फॉलोइंग सीरीज. इस तरह भी क्वेश्चन अक्सर होगा, बहुत आते हैं क्योंकि पता नहीं चलता बंदे को. 62-3-84-2-93 आगे डैश किया गया, उसमें बंदा मतलब पता नहीं चलता है किस तरह ये किस तरह लाता है. ये 6 को 2 से डिवाइड करता है, 8 को 4 से डिवाइड करता है, तो हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 हमारा आंसर हो गया. और ये देखो, व्हाट विल कम नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इधर 4 है, 3 है, 2 है, इधर सवालिया निशान है, इधर क्या आएगा? अब देखो उसका 4 क्यों आया? 4 इसलिए आया क्योंकि इसके 4 साइट है, इसका 3 साइट है, इसका 2 साइट है, इसका 0 साइट है, तो 0 ही आएगा. 5-5 डेली हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि बोरियत होती है. तो यही जो 5-5 आप जो है ना तैयार कर ले, और इसी टाइप्स के क्वेश्चन PMA का बुक उठाओ, उसमें जो है ना आप देख लो कि कौन सा क्वेश्चन इनके साथ मिलता जुलता है, वो तैयार कर ले. बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगता है, कमेंट से मैं बता दे, मैं उसके ऊपर एक और अपलोड वीडियो अपलोड करूँगा. जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पर, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें. और जो आपके दोस्त होंगे जो PMA ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ जो है ना अपना ये वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो. इंसान ऑनली अपना नहीं सोचे बल्कि
दूसरों का भी सोचे, तो ये वीडियो का लिंक भी उनके साथ शेयर कर रहे, वो भी पी एम ए ज्वाइन करेंगे। मैं सबको कहता हूँ कि पी एम ए ज्वाइन करो, एक दफ़ा हो या ना हो लेकिन ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि बंदे के पास नॉलेज आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।